बट ऑनलाइन स्टोर्स तो बहुत सारी ऑनलाइन से बड़ा बात आ रही प्लीज। पेज नंबर 238 मेरा चेंज करना है। पेज नंबर 238 ये तीन क्वेश्चंस जो आए थे ये बोनस प्लान्स वाला है। पेज नंबर 238 239 एंड 240। आज जरा ये आपको कुछ दिन ना ये जरा ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जरा इनको जरा टाइम दें, इन तीनों को रिवाइज करके पेज नंबर 364 पे आए। सबसे पहले किसको रिवाइज करना सर? पेज नंबर 238 पे जो बोनस प्लान्स वाली स्टोरीज आई थी इनको जरा एक नजर देख के पेज नंबर 234 एंड 35 ये दो क्वेश्चंस हैं यहाँ उसी तरह के। कौन से कह रहा हूँ? पेज नंबर 364 पेज नंबर 364 एंड 365 पेज नंबर 238 से ऑनवर्ड जो तीन क्वेश्चंस किए थे उनको रिवाइज करके पेज नंबर 364 एंड 365 इस पे दो क्वेश्चंस हैं ये तो इन चीजों की जरा साथ साथ थोड़ा सा टाइम दें ठीक है सर। मीन वाइज जरा कैंडी पहले जरा एक्टिविटी बेस्ड पोस्टिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था लास्ट क्लास में उसको जरा एक्टिविटी बेस्ड पोस्टिंग वाले जो पेज है ना साथ रखिए जरा ये मेरा ख्याल जब जब मौका मिले तो सेंस समझ आ गई थी वैसे इसकी। मैं जरा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करवा रहा हूँ बात हो रही थी इसकी। ऑनलाइन सेंस इकट्ठे कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक नजर पढ़े क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लिया था मैंने एक नजर पड़ी है तीन प्रोडक्ट्स बननी थी G1, G11, 102, 103 4 और 3 कोर्ट्स रिक्वायर्ड थे हर प्रोडक्ट के हर यूनिट के। फिर नीचे उसके बताया हुआ था कि लीटर्स पर यूनिट 754 फिर प्रोडक्शन डिटेल बताई थी जो ईच प्रोडक्ट सही उसमें क्या क्या बताया हुआ यूनिट्स का परेड टोटल बैचेस मशीन अटेंडेंट टाइम कॉस्ट ऑफ पेंट पर यूनिट मशीन अटेंडेंस आर पेड एस्टिमेटेड ओवरहेड्स इन द कमिंग पीरियड फोर्थ कमिंग मंथ इन द कमिंग मंथ किस किस के ओवरहेड्स बताए गए थे पेंट स्टेरिंग इलेक्ट्रिसिटी इन फिलिंग कॉस्ट ड्राइवर्स किसे कहते हैं जिनकी बेस पे एक्टिविटी मीन्स कॉस्ट पूल इन्फ्लुएंस होते हैं और एक्टिविटी फिर बताई हुई थी तो उसके कॉस्ट ड्राइवर कौन कौन सा है पेंट स्टेरिंग के लिए कॉस्ट ड्राइवर कौन सा बैचेज ऑफ पेंट इसका मतलब पेंट स्टेरिंग का जो ओवरहेड है 50,000 पेंट स्टेरिंग के जो ओवरहेड्स हैं 50,000 वो बैचेस की बेस पे फिर एलोकेट होने चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी किसकी बेस पे कोर्स ऑफ पेंट और फिलिंग ऑफ द स्प्रे मशीन लीटर्स ऑफ पेंट की बेस पे हमसे क्या रिक्वायर्ड है कैलकुलेट द यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। यूनिट कॉस्ट कैसे करते हैं सर जी यूनिट कॉस्ट कैसे कह देते हैं सर पर यूनिट कॉस्ट छोटी छोटी चीजें सही पाने रजिस्टर करो
जी सर, एक नंबर गीगा इनकॉर्पोरेशंस। नहीं, ओवरहेड्स नहीं मेरा, यूनिट कॉस्ट। अब एक तो है ना ओवरहेड कॉस्ट, यूनिट ओवरहेड कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट। अब इसमें देख लें डाटा किस किस चीज का, कॉस्ट पर यूनिट और ईच प्रोडक्ट। बताइए कैसे कर। ठीक है, वो कम करें सर जी, क्या क्या करें, कॉस्ट पर यूनिट तक पहुंचना बताएं। पहले चले ये ढूंढ लें कॉस्ट पर यूनिट में आना क्या क्या है, कॉस्ट पर यूनिट में क्या क्या आएगा। पेंट आएगा, पेंट क्या चीज है यहाँ जी, मटेरियल ही होगा, पेंट मटेरियल। पेंट भी है तो मशीन अटेंडेंट का टाइम भी, लेबर भी है यार। सर जी देख लें यार क्या हो, कॉस्ट ऑफ पेंट पर यूनिट भी है, फिर मशीन अटेंडेंट का टाइम मिनट्स में दिया हुआ, पर यूनिट उसका रेट दिया हुआ, फिर ओवरहेड्स कौन कौन से दिए हुए, वो तीन वो दिए हुए, तो इन सब का पर यूनिट निकालना। तो पेंट का पर यूनिट तो शायद गिवन है, पढ़े पढ़े डाटा ध्यान से पढ़े। व्हाट इज 550, 500 एंड 450, कॉस्ट ऑफ पेंट पर यूनिट ये कॉस्ट ऑफ पेंट पर लीटर है या पर यूनिट है, पर लीटर ही हुआ ना, लीटर लग के यूनिट बनता है। तो बता दें क्या पेंट एज इट इज, ये तीन प्रोडक्ट्स है कॉलम वाइज बनाना। गिवन है, गिवन है सर, जिसका पे लिखे बताएं कितना, 550, 500 एंड 450। हिम्मत करें सर, हिम्मत, आगे बताएं क्या क्या। लेबर कॉस्ट पर यूनिट है कोई रेलिवेंट, मशीन अटेंडेंट टाइम कैसे, पर 45, 60, 50 मिनट्स है, मिनट्स पर यूनिट 86 है, फाइनल बताना जी आपने, बहुत दफा हो गया अभी। 45 डिवाइड बाय 60 इनटू 86, 40 बाय 60 से क्या आएगा, आर्स पर यूनिट, पर यार नहीं, आर्स पर यूनिट। ये 86 डिवाइड बाय 60 भी तो कर सकते थे यार, कॉस्ट पर मिनट, कॉस्ट पर मिनट मल्टीप्लाई 45, या इधर या उधर, या इधर या इधर डिवाइड करेंगे तो आर्स आ जाएंगे, उधर डिवाइड करेंगे तो पर मिनट आंसर आ जाएगा 60 4.5 86 71.67। 60 बाय 60 तो 1 घंटा ही बनता है, 50 बटा 60, 50 डिवाइड बाय 60 इनटू 86, जी सर आगे ओवरहेड्स एंड हेडिंग लिख लेते हैं, पर यूनिट बनाना बस, ये ध्यान रखिएगा। पेंट स्टेरिंग, हिम्मत चाहिए बस, कर तो सकते हैं अगर हिम्मत करें। नहीं पहले जरा थोड़ा सा सेंडेंस को बोलने, हम चाहते हैं कहीं सोचे जहां रुपीज है वहां है, जहां कुछ है बताएं, अगर सोच लो 50,000 रुपए को पैचेस ऑफ पेंट
की बेस पे जी 101, 102 एंड 103 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले ये सेंटेंस अगर रिपीट करना है, बैचेस का सम किया था आपने शायद, सोच के लिखें 10, क्या 10 बैचेस ही हैं जी 101 के? ये तो पर यूनिट बैच नहीं है। हाँ जी, जी 101 के टोटल बैचेस हैं, तो 10 डिवाइड बाय 24 इंटू 50,000, सोच के आराम से जो आंसर आया ये क्या है? नहीं, पर बैच नहीं आया यार। 10 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 50,000 जी 101 से रिलेटेड ओवरहेड्स आ गए। जी 101 क्या? जी 101 के एक यूनिट के आए हैं या सारे यूनिट्स आए हैं? जी 101 के 10 बैचेस के हैं, 10 बैचेस के हैं। अब हमें यहां से पर बैच बनाना है या पर यूनिट बनाना है? दोबारा, क्या जी 101 का सारा खर्चा है? कैसे? 10 डिवाइड बाय 24 इंटू 50,000, लेकिन ये 10 बैचेस का, क्या इसे पर बैच बनाया जा सकता है? लेकिन वो शायद हमसे रिक्वायर्ड नहीं है, पर बैच वर्किंग करनी हो तो डिवाइड बाय 10 करते हैं, लेकिन हमें पर यूनिट तक पहुंचना है। क्या आपको जी 101 के यूनिट्स पता? ढूंढे तो डिवाइड बाय 10 करके क्या आ सकता था? डिवाइड बाय 500 करके कहां पहुंचना है? देखो क्या करें, डिवाइड बाय 500 क्यों किया मैंने? पर यूनिट बना, तो ये पहले पर यूनिट आया। दोबारा दोबारा, 10 क्या है? 10 बैचेस है जी 101 के टोटल, 10 बैचेस है जी 101 के टोटल, 24 हैं टोटल बैचेस सबके मिला के, टोटल बैचेस 24, तो 10 बाय 24 ये प्रोपोर्शन बन जाएगा जी 101 के बैचेस का टोटल बैचेस के साथ। तो टोटल बैचेस से हमारे पास ओवरहेड्स आ जाएंगे, और डिवाइड बाय 10 की बजाय डिवाइड बाय 500 करने की बजाय पर यूनिट वर्किंग रिक्वायर्ड, एक लिख लें, बाकी कम से कम दो, लेकिन आप सर खैर मेरे ख्याल नोट सारे कीजिएगा, मतलब ये सारी वर्किंग्स, 8 डिवाइड बाय 24 इंटू 50,000। अगर आप गौर से देख रहे हैं तो ये असल बहस यही है, असल बहस यही हुई भी कि बेस कैसे बननी है। नहीं, इसमें वो यूनिट्स इस तरह से, अब ये ना कि देखिए सेम ही आता है, वो यूनिट शायद बाद में 400-300 इस तरह कम हुए हैं, जिस तरह फिगर्स का, जिस तरह से बैचेस में कमी हुई है 10, 8, 6, उसी तरह 500, 400, 300 बन गए। क्या ये तो नहीं कि हमने ऐसी गलत वर्किंग की? और जिस तरतीब से बैचेस कम हो रहे थे, 10 से 8 होना 80% है ना यार, फिर 8 से 6 होना, फिर 2-2 बैचेस का फर्क पड़ा उधर 100 बैचेस। अगर हम हिम्मत करना चाहें तो असल हिम्मत ये है कि 50 यूनिट्स का एक बैच है शायद, और वो जी 1 में भी है, जी 2 में भी है, और जी 3 में भी है, चेक करना, 50 यूनिट्स का समय बैच बना, जिसकी वजह से शायद आपका अल्टीमेटली आंसर सेम आया। क्या हर प्रोडक्ट के जो बैच साइजेस और यूनिट्स दिए हुए हैं उनमें 50-50 यूनिट्स के ही बैच है? कैसे? 500 डिवाइड बाय 10, दूसरा यूनिट्स इन आ बैच, फाइंड आउट हो सकते यूनिट्स इन आ बैच, बहरहाल ये कोई साइंस नहीं कि आंसर सेम ही आया करेगा। आ कितना कह रही है? 41.67 रिस्पेक्टिवली, हाजी पेड स्टेरिंग पर यूनिट ऑफ 101, 102 एंड 103। नेक्स्ट सर, इलेक्ट्रिसिटी करवा दें, कोर्स ऑफ पेंट, अब यहाँ थोड़ी कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग्स हो रही हैं, जहां जहां जितना जितना एक्सप्लेन करना करें, करना चाहिए आपको छोटा मोटा।
नहीं यार, सही तरह ही पढ़े, सही तरह पढ़े, सही तरह पढ़े। और सर जी सिक्स क्या है? सिक्स फोर थ्री, ये पर यूनिट, पर यूनिट कोर्ट्स है। तो डेढ़ लाख के है इलेक्ट्रिसिटी, ये कोर्ट्स और पेंट। क्या पूरे साल में बस छह चार और तीन कोर्ट ही हुए? ये तो एक यूनिट के हुए। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा? ये थोड़ी देर पहले जो आपने किया था 10 8 6, ये क्या था? टोटल बैचेस या पर यूनिट बैचेस, डेढ़ लाख रुपए का जो खर्चा हुआ है, डेढ़ लाख का खर्चा ढूंढ लिखी का, वो कोर्स ऑफ पेंट की बेस पे है। लेकिन कोर्स ऑफ पेंट एक यूनिट पे मसलन छह, कैलकुलेटर पे लेंगे, छह जमा चार जमा तीन, तेरह तेरह कोर्ट हुआ, तेरह कोर्ट हुए हैं, तेरह कोर्ट होने से डेढ़ लाख रुपए का खर्चा हो भी सकता है। लेकिन ये है क्या? तेरह कोर्ट, तेरह मीन्स एक एक यूनिट के ही। तो क्या एक ही यूनिट बना पूरे साल में? कितने यूनिट से बन गए हैं सर? तो ये जो फिगर गिवन है, ये पर यूनिट गिवन है, और मैं टोटल शायद खुद बना, टोटल कोर्ट्स, ये सब टोटल बैचेस करें करें हिम्मत करें हिम्मत करें वर्किंग लिखें। इसमें कोई ऐसा ये नहीं है कि कोई कॉस्ट अकाउंटिंग अपने पीक पे चली गई, सिंपल वर्किंग सर। क्या करें क्या करें क्या करें, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, नीचे चले जाए, थोड़ा इधर नहीं होनी सारी वर्किंग, थोड़े नीचे चले जाए, वर्किंग से नीचे जाए, नीचे मीन्स अपने रजिस्टर में जाए। क्या करने लगे हम सर जी? सुशीना बनाया सर, बोल बोल के ऊंची थी आवाज, मगर नहीं हम कुछ नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का भी कुछ नहीं, अब करने लगे, अब हम टोटल कोर्ट्स निकाल रहे हैं, टोटल कोर्ट्स ऑफ पेन। ये ऑनलाइन स्टूडेंट बड़ा साथ है, टोटल कोर्ट्स ऑफ पेन कैसे निकालो? जी वन वन के टोटल कोर्ट्स 500 × 6 3000 कोर्ट, G11 G12 400 यूनिट्स इंटू चार कोर्ट पर यूनिट, बट इस 1600 1600 कोर्ट्स 900 क्या कोर्ट्स 5500 क्या टोटल कोर्ट्स। अब ये टोटल कोर्ट्स शायद अवेलेबल नहीं थे, जिस तरह टोटल बैचेस अवेलेबल थे लेकिन टोटल कोर्ट्स अवेलेबल नहीं थे। तो 6 4 3 क्या था? पर यूनिट कोर्ट्स और यूनिट्स का डाटा था, तो देयरफॉर अब हमने कितनी कितनी दफा किस किस को कोर्ट हुआ होगा वो कैलकुलेट करेंगे। अब बताइए क्या करें? फिगर बोलने सर 3000 6 आ गया, 6 / 13 3000 × 150। अब ठीक है, लेकिन एक पूरा करवा दे, अभी बात पूरी नहीं हुई। हाँ यहाँ तक क्या है? 3000 / 1500। अब ये G11 के G11 से रिलेटेड टोटल इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आ गया, लेकिन हमने कहाँ पहुंचना है? तो डिवाइड पर पांच सौ मल्टीप्लाइड पर 500 है, बाकी वर्किंग करें लिखते। तो काम किसी एक तरीके से तो किया करिए, ऐसे भी कर ले, फिर हो सकता है तो कल चेक कर लेते हैं, पहले कहा था ना, तो अगर सेम नहीं है तो पहले कर ले, ये करना नहीं वो होता तो क्या करते है? यही तरीका वहां भी अप्लाई हो जाना था, ये चेक कर लिए, यही तरीके से करूंगी, तो शॉर्टकट की क्या जरूरत है? लॉन्ग कट हो नहीं रहा, लॉन्ग कट हो नहीं रहा, पहले ये तो कर लो। आंसर बता दे सर, बोर हो रहा है, आंसर भी निकालना है, एक्सप्लेन कर लीजिएगा। 1600 / 5500 × 150 / 400 900 / 5500 × 150।
डिवाइड बाय 300 163.64 एंड 109.09 81.82। अब फिलिंग ऑफ स्प्रे मशीन में गलती ना करें, सोच के करने करना आप बता। तो टोटल एक्सपेंस आएगा G101 का, टोटल एक्सपेंस आएगा, ये G101 के टोटल कोट्स है। अगर आप डिवाइड बाय 500 नहीं करेंगे तो आपका आंसर आएगा G101 के टोटल इलेक्ट्रिसिटी ओवरहेड्स बेस्ड ऑन द कोट्स। तो डिवाइड बाय 500 बाय करके हम यही फाइंड आउट करेंगे ओवरहेड्स ऑफ G101 डिवाइडेड बाय 500 टू गेट द पर यूनिट। तो विदाउट डिवाइडिंग 500 हमारे पास टोटल ओवरहेड्स आ रहे हैं प्रोडक्ट के, और 500 से बेटा डिवाइड करके फिर पर यूनिट आ, ठीक है, टोटल ओवरहेड्स डिवाइड बाय पर यूनिट, ठीक है, क्लियर। ये आप लोग करें जी, जी लीटर 754 ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्लियर होगी बात, ये कंप्लीट कर लो बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ हैं यहाँ तक, कन्फ्यूजन अगर है तो रिजॉल्व होगी। जी अब यहाँ क्या मसला है, यहाँ क्या करना पड़ना है, कैसे 500 इंटू 7 500 सॉरी 400 इंटू 5 यूनिट्स इंटू 5 एंड 300 इंटू 4 3500 2000 1200 टोटल हो गया 67। कर दे माइंड अप, ठीक है टोटल लीटर्स। थर्टी फाइव हंड्रेड डिवाइड बाय 6700 मल्टीप्लाइड बाय 90,000 डिवाइड बाय 500 की बार बार कही जाती है। ये लीटर वाली वर्किंग लिखी हुई ऊपर, आप लोगों से पूछो थर्टी फाइव हंड्रेड डिवाइड बाय 6700 मल्टीप्लाइड बाय 90,000 हाँ जी डिवाइड बाय 500 बहरहाल आई होप कि अब ये पर यूनिट पर आज कुछ ना कुछ हजम होना शुरू हो गया। कल भी शायद यही बात बहस हुई, आंसर बताओ 94.03 67.16 73 टोटल का। अब ये सारा ऑलरेडी पर यूनिट है, देख रहे फिगर ठीक नहीं निकला, मिस्टर सप्तान जी बंडल ऑफर से नहीं आया मोबाइल परिकर टोटल सर टोटल टोटल कैसे बताया नजर नहीं आ रहा 803 है मेरा 803.92
698.89. चलें सर, अल्लाह का शुक्र है सर। यही सर असल मकसद था कि आपका सर विजन ब्रॉड हो जाए, लेकिन आप जब अल्लाह करें कि थोड़ा सा विजन ब्रॉड हो गया, लेकिन फिनिशिंग टच अब सही देना है, तो फिनिशिंग टच इंपॉर्टेंट है। चैंपियंस की निशानी है कि जब तक मिशन कंप्लीट ना हो जाए वो बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहते हैं, और जब हो जाए कि मिशन कम्प्लीट, फिर एक ही दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सा बोल के दो नफल अदा करके बात खत्म करके दोबारा नहीं बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं अगले मिशन के लिए। यस सर। ये सर जी क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, 3 ये सॉरी 3 हुआ, नोटेड है सर। थोड़ा सा स्पीड अप हो जाए, मुकाबले काम आज मेरा खाली 6 सवाल हैं, 3 हैं अब मेरा खाली, लेकिन गेम बढ़ गई आगे। ये पेजेस अभी तक मुझे लूज महसूस हो रहे हैं, मेरे रिक्वेस्ट आपसे पता नहीं की थी या नहीं, जैसे बुक में कहीं स्टेपल लगाए, चाहे शुरू में लगा लें, कहीं स्टेपलर से स्टेपल लगा लें सेट को। क्वेश्चन नंबर 4, मुस्तजाब लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स 4 प्रोडक्ट्स ए बी सी एंड डी, आउटपुट एंड कॉस्ट डेटा फॉर द पीरियड जस्ट एंडेड। ये पढ़ना बड़े ध्यान से पढ़ना है, पर यूनिट पर आर टोटल प्रोडक्ट्स के नाम। मैं यूसी बुला दी, आउटपुट यूनिट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर आर्स पर यूनिट, मशीन आर्स पर यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट सब गिवन, शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, एक्सपीडिटिंग एंड स्केड्यूलिंग कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। कॉस्ट पूल किसे कहते हैं? एक्टिविटी को कहते हैं, एक्टिविटी को कहते हैं। एक्टिविटी के सामने रुपीज लिखे हुए और आगे कॉस्ट ड्राइवर्स लिखे हुए, 30,800 मशीन आवर्स, ₹30,800 ने मशीन आवर्स में एलोकेट होना, तो मशीन आवर्स कितने हैं? निकाल लेंगे प्रोडक्शन रन्स, बाकी 3 दिए हमें, प्रोडक्शन रन्स भी निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। लेबर कॉस्ट पर आर गिवन, लेबर कॉस्ट पर आर गिवन है, सॉरी 5 रुपए बाकी, आर पर यूनिट गिवन है, यूनिट कॉस्ट निकालेंगे प्रोडक्ट की, एबीसी कॉस्टिंग। अब कंपैरेटिवली ज़हन जरा स्पीड अप होके तेज चलना चाहिए। मुस्तजाब लिमिटेड, अच्छा मेरी प्लीज शदीद ख्वाहिश है कि क्वेश्चन में से कोई एक भी अब होमवर्क ना हो, तो लिमिटेड टाइम में प्लीज खत्म करके उठे, बहुत से पहले ही होमवर्क होते हैं। अब बेटा इस चीज की कोई बहस नहीं, प्रोडक्शन रन क्या होता है बताएं, उतनी देर में बेटा सवाल हो जाना, ये जो भी होता है ये वही होता है। अगर एग्जाम में गुस्सा का वर्ड आ गया तो फैक्ट्रीज में बाद में चले जाएंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बताएं, अच्छा चले वो मैं बताता हूँ, सेटअप कॉस्ट क्या होती है, शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट क्या चीज है, बेटा सोचना तो सोची जाएंगे, लेकिन इसमें रहने वाले कोई जरूरत नहीं है। प्रोडक्शन वो रन वही है कि प्रोडक्शन कितनी दफा मशीन चलाएंगे, कितनी दफा मशीन रन होगी प्रोडक्शन के लिए, क्या निकालना है सर, कॉस्ट पर यूनिट किस किस प्रोडक्ट की, मटेरियल, ये कॉस्ट पर यूनिट है, सिर्फ ओवरहेड पर यूनिट नहीं है। जी सर, कुछ क्वेश्चंस में पिछले में ये भी आता रहा कि ओवरहेड पर यूनिट, जी सर, ए बी सी डी, 3 कॉलम बनेंगे, एक मेरे लिए छोड़ दे, मैं बता, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है,
मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट गिवन कितनी कितनी 200 and 800 जी जी कन्वर्ट करें 10 into 5 में रखा है लेबर कॉस्ट पर यूनिट वर्किंग कर रहे हैं ना फाइनल करें 10 into 5 में रखना ठीक है 10 into 5 50 30 into 5 ये 5 है आगे 10 into 5 ही है 10 into 5 50 नेक्स्ट 150 बड़ा चैलेंजिंग हो गया 10 into 5 3 into 5 10 into 5 20 into 5 नहीं पहले ये क्लियर करो व्हाट इज 10 एंड व्हाट इज 5 आर्स 10:30 आर्स पर यूनिट और इनटू 5 आगे ठीक है सर अच्छा लग रहा है ओवरहेड्स शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट की 30,800 ज़हन में रखना पूरा सेंटेंस बोलने करना क्या मशीन आर्स की बेस पे 30,800 रुपए को एलोकेट करना मेरा ख्याल है शायद अभी थोड़ी देर पहले हुआ लेकिन यहाँ क्योंकि मशीन आर्स की वर्किंग करनी पड़नी है और गिवन तो है ये गिवन है गिवन है गिवन है गिवन है मिनट लगाए मेरे ख्याल रिपीट हो रहा है रिपीट हो रहा है मशीन आवर्स की वर्किंग करनी जी ए 10 into 10 डी 10 into 30 सी 100 into 10 100 into 30 4,400 तक आ गए अच्छा एक वैसे इधर वर्किंग है ना आप लोग उस दिन कर भी रहे थे इस 30,800 लिखे कैलकुलेटर अब बताएं है क्या 30,800 एक सेकंड वैसे ही जरा डिवाइड करें 4,400 से नहीं नहीं मल्टीप्लाई तो कर लेते हैं मतलब यहाँ तक इक्वल ही दो ये आपका ओवर शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी पर कॉस्ट ड्राइवर मैं नजर आई वर्ड रिपीट करूँ पर मशीन तो ये 7 को भी अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन डेफिनेटली एक दूसरा तरीका अपनी जगह पॉसिबल है 100 divided by 4,400 into 3080
100 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 4400 इनटू 3080 क्या आंसर आ रहा है? ये तो 700 आपका नहीं, ये 700 क्या है? तभी ना करें, बस सीरियसली सोचें, इस तरह ना करें, इस तरह को जल्दी नहीं है। सात पर जरब किससे दी थी आपने? अगर सात आ जाए तो क्या है? पर मशीन आ गया, रेट आ गया ना, 7 रुपए पर मशीन आ, तो वो तो 70 नहीं बनता था उधर, 70 बनता है, 700 बनता। हिम्मत 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 हिम्मत, कैलकुलेटर पर लिखें 100 डिवाइडेड बाय 400 इनटू 3080। अभी थोड़ी देर पहले ही वर्किंग की हमने, ये क्या है? अब नहीं, अब गलत तरफ जा रहे हैं। ये ए के, ए से रिलेटेड शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, प्रोडक्ट ए की शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट। नहीं, ये ए पर यूनिट आया, प्रोडक्ट ए की टोटल कॉस्ट आई है। तो अब इसे पर यूनिट बनाना है, जैसे थोड़ी देर पहले बनाया था, डिवाइड बाय कौन सा 10 ढूंढेंगे? आउटपुट वाला 10, तो 10-10 कॉमन तो है यकीनन, वो भी ठीक है। 7 रुपए का निकाला था आपने थोड़ी देर पहले, पर वन मशीन आर, तो इनटू 10 वो आपने किया होगा जो एक मशीन, एक यूनिट के घंटे, एक यूनिट के घंटे हैं वो, ऊपर 10 लास्ट कॉलम में, ठीक है? और ठीक है, तो ये 70 है बेसिकली। 70 क्या है? 700 क्या था, 70 क्या है? 700 रुपया प्रोडक्ट ए की शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स, 10 यूनिट्स। लेकिन अगर आप 7 रुपया पर मशीन आर रेट निकाल लें, तो फिर आप मल्टीप्लाइड बाय मशीन आर्स करेंगे एंड पर यूनिट मशीन आर्स 10। और अगर 100 से जरा दे देते, वो भी क्या 100 घंटे प्रोडक्ट ए के, क्या प्रोडक्ट ए के 100 घंटे हैं? तो 7 को अगर आप 100 से जरा देते तो वो 700 क्या आता? 100 घंटों की मशीन रनिंग कॉस्ट, वेरिएबल रनिंग कॉस्ट। लेकिन हमें कहां तक पहुंचना है? पर यूनिट। बार किसी तरीके से भी करें, एक मिनट दोबारा लगा लें, सोच लो। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स फाइनल है प्लीज। बाकी कर लीजिए अगर आंसर बता दें। 72, 10, 72. आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जिससे भी आप कर रहे हैं करें जरूर। मेरा ख्याल है थोड़ी देर पहले ऐसे किया आपने, जैसे मैं ब्रैकेट में लिखा, एक और लिखने लगा, आप अपनी चॉइस है आपकी, जैसे वर्किंग करें। मैं करूंगा डिवाइड बाय 10, अगर आप 7 मल्टीप्लाई, अगर आप 7 को 30 से जरब दे रहे हैं, अगर आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 30 से क्यों जरब देंगे? तो पर आ रेट है तो 30 से तरफ देंगे। और मैं अगर पहले पूरे ओवरहेड्स बी के निकाल रहा हूँ, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए बी, सॉरी डिवाइड बाय, बारह आंसर फाइनल बताइए। कैसे कर रहे हैं आप लोग, रिमाइंडर करें, बाकी आंसर बताएं, लेकिन एक्सप्लेन करें कैंडी, जितना भी कर रहे हैं एक्सप्लेन करें, जो कर रहे हैं लिखें। जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स में वाले से मैं ज्यादा कॉन्शियस हूँ, मेरे सामने जो हजरात बैठे हैं उन्होंने तो करके हाथ भी बंद कर लिए हैं, करके किए, मुझे पता नजर आ रहा है। और कई कई तो ऐसे ऐसे नजर आ रहे हैं जिन्होंने मेरा ख्याल मुझे भी काफी दिन बाद देखा ना करें सर, बिल्कुल ही हिम्मत खत्म हो जाती है अपनी। 70 नहीं, मेरा ख्याल हाँ 70 और 210 ही है, उसमें असल में यूनिट्स बढ़ गए। एनी कंफ्यूजन जॉनी स्टूडेंट्स? ये बी की बेस में कोई 30 नहीं आया सर, 10 आया मेरा। अगर अगर आपने 30 से मल्टीप्लाई किया होगा तो आप 7 मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना हमेशा रानोशिप सर? अगर आप 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 है मशीन आर रेट पर, मशीन आर रेट पर आर,
शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट रेट पर आप 7 रुपए को मशीन आवर से मल्टीप्लाई करेंगे, और मेरी अगर वर्किंग पर यूनिट में कन्वर्ट करनी है तो डिवाइड बाय 10 करेंगे। मेरे अलावा कोई क्लियर? मेरे अलावा कोई क्लियर है तो एक दो बोल दें। आपकी तरह से हो रहेगा फाइनली? एनी कंफ्यूजन वाले स्टूडेंट्स? नो सर। ये अगले करें आप जरा जी सर। अब प्रोडक्शन रन निकालने पर यूनिट है प्रोडक्शन रन, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन पर यूनिट, प्रोडक्शन रन दिए हैं उसी तरह शायद पिछला डाटा जल्द से देखे जिस तरह बैचेस दिए होते, बैचेस वहां से टोटल लिखा होता है या टोटल मिसिंग है अपना ओपिनियन दे रहा। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन इकट्ठे कर दे 14 हो जाएगा शायद 14 जी। अब ये तीनों की बेस चाहिए सर, सेटअप कॉस्ट हो, सेटअप कॉस्ट हो, एक्सपीडाइटिंग कैसे बोलते हैं नहीं जो नहीं, मैंने पूछा वो बोला नहीं, ये मैं इंशाल्लाह कल सही तरह सोच के और कल बोल के दोबारा बताऊंगा आप वर्किंग करें वो आसान है। सेटअप कॉस्ट जी सेटअप कॉस्ट के बेस पर बनवा देंगे 2/14 कर दो इनटू 91,000 हो जाएगा। अच्छा सॉल्व करके आ सकता हूँ 109,200 क्या आएगा ये पूरा बोल दो। प्रोडक्ट ए से रिलेटेड सेटअप कॉस्ट आपके सामने आ जाएगी और डिवाइड बाय 10 करने की बजाय 156 है ना? बोर्ड से नजर आ रहा है अरे ये सारी वर्किंग्स लिखना मेरा नहीं सही कंपलसरी तो नहीं है लेकिन आप लोग इस तरह इसलिए लिख लें ताकि सही रिवाइज हो जाए। ये क्या बनता है जी आंसर? 1560 रिस्पेक्टिवली अब इसके लिए बेस भी प्रोडक्शन रन देंगे 2/14 इनटू 109 सॉरी 91 आंसर आया 1300 माइंड अप करने से मटेरियल हैंडलिंग या लेसंस का साथ है मेरा टू बाय 14 इनटू 77 1100 275 टोटल
व्हाट इट इज इट, ये लिख लिया क्वेश्चन नंबर 5 टू का, जो ने सर फाइनल कर एनी कंफ्यूजन एनीवेयर ये करें, नोट कर ली, ये क्वेश्चन नंबर 5 को से शुरू कर, मैं फिर अभी लिखता, प्लीज काइंडली बता देंगे कोई नोट कर रहा है। जनरल स्टूडेंट्स आप भी बड़े, अगर आपके सामने डाटा मैंने कर दी, क्वेश्चन नंबर 5 का शुरू करें। ओवरहेड कॉस्ट इन टोटल एंड पर यूनिट, इन टोटल भी मांग रहा, मैं मेरा ख्याल ये ज्यादा बेहतर तरीका है कि पहले टोटल निकाल लें, अब टोटल निकाल लें, खैर तो टोटल निकाल लें, फिर इनमें पर यूनिट निकाल लें। जब टोटल आ जाएगा तो एक ही दफा डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स किया जा सकता है, तो टोटल इकट्ठा करना पहले, लेकिन किसका टोटल, किस में यार, ओवरहेड्स का टोटल किस में, प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स में ना, स्काई मून सन करें, मत बेसिस बताएंगे, सिंपल है कंपैरेटिव में, मुझे लगा पढ़ दे पढ़ दे।
बढ़ावा किंग करो यार, आप लोग भी करेंगे नीचे बैठे। किधर गुम हो जाता है? क्या पानी टोटल 1 9? ठीक है, ये पर यूनिट ठीक, 6 करो, 6 शुरू करो। ये 5000 आ गई, 5000 ही है ना पहले आवर्स से, ये मशीन आवर्स ऑफ स्काई। चलिए कंप्लीट, इन्होंने कर लिया, आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाय 22,500 इंटू 36,000, 8,000, 12,000, 16,000। कंपोनेंट कॉस्ट एट बाय 40 इंटू 100,000, 20,000, 30,000, 3 by 30 इंटू 180,
ठीक है फाइनल आंसर सबकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप, मैं अजीम कर रहा हूँ। योनल स्ट्रेस कहाँ था कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ये ओवरहेड का टोटल बताइए। 109 पर यूनिट अगर बनाना तो रिस्पेक्टिव यूनिट्स हैं, यूनिट्स 5 लाख 1.5 लाख 250। क्योंकि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पहले दिए हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पर यूनिट तो नहीं दिए। ठीक है बोलिए सर, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेटअप्स, नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स, पर यूनिट डाटा तो नहीं है। 0.22 पे राउंड ऑफ होगा जी, 0.4 एंड 1.19। डन हो गया, फिक्स फिक्स भी हो गया, फिक्स भी खत्म हो गया। ज्यादा ही आसान लग रहा है। जिमनास्टिक्स के लिए पहला पेज पढ़ने पर बैठ अंग्रेजी में, और फिर पहले पेज पढ़ने के बाद में बताना कि अगर कोई 5-6 लाइनें लिखनी पड़ जाए तो लिख सकते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करें सर, पहला पेज पे कौन जाएगा जो 6 का आंसर दिखाएगा? Thank you.
जी सर, सब क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं? नहीं, जो लोग खामोशी से बैठे हैं क्या कर रहे हैं? सीधे पर यूनिट बनाया तो मैंने, नहीं मतलब टोटल करके डिवाइड बाय 5000 करके ही लिखा, नहीं डिवाइड बाय 5000 करके ही लिखा हमसे, ठीक है मतलब दोनों एक्सेप्टेबल है कि पहले टोटल करके एक दो ही पर यूनिट कर लें या पर यूनिट बनाते हैं जिससे कंफर्टेबल हो गए, ठीक है। पर यूनिट अगर मैं सीधा बनाऊँ तो आंसर बताइए 30 × 10। प्रोडक्शन रन्स है 10/50 इंटू 20,000 डिवाइड बाय 5,000 0.8 2.29। ऑर्डर हैंडलिंग है, देखिए सही है 69, ठीक है। नहीं राउंड ऑफ कर लिया, अच्छी बात में वैसे पूछा, मेरे पास थोड़ा डिफरेंट है। नहीं ये फिर इंडिविजुअल बताएगा 2.2, नहीं 5.1, सॉरी 5.14। ये सब लोग आज नहीं, पेज वन पढ़ा, इसने पढ़ा पूरा, आता कौन, चले आता था कौन, करें जी पूरा, आपने बेटा कंप्लीट कर लिया कस्टमर सिक्स? ये क्वेश्चन नंबर 6 के बाद फर्स्ट पेज पढ़ो, पहला पेज पढ़ लिया तो दूसरा क्यों नहीं पढ़ना, पहला पढ़ ली तो अच्छा था, पेज नंबर 0 पढ़ ली, कुछ इस पे खास तौर पे बोल्ड हुई नहीं चीजें, बोल्ड वर्ड्स,
ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नोट कर लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में कुछ लिख तो नहीं रहा। तो भाई भी आपके पेजी से पढ़ना चाह रहा था, शेयर करना अपने से पूरी, मैं रिवाइज करना चाह रहा हूँ अपने से पढ़ के, आपके पेजी से रिवाइज करना चाह रहा। ये भी मैंने जुबानी सुनना है, नहीं मतलब इसका क्या मतलब है, अब टाइम तो है नहीं, अभी क्या करना, घर जाकर तो हमने इतना देर भी नहीं पढ़ना था जितने देर पढ़ा आपने। अब कुछ लोग हिट लिस्ट पे, अब सब ने मुझे देखना छोड़ दिया, मैंने भी इंशाल्लाह कोई ना ढूंढ लेना, जो मेरी तरफ नहीं देख रहा मैं ढूंढ लेना। जी सर, पहला पैराग्राफ सर, क्या कहते जी पहला पैराग्राफ, नहीं अपने लफ्जों में बता दें बाद में, मतलब टॉपिक लगाना। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है ट्रेडिशनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का एक ऑल्टरनेट है टू अब्सॉर्ब इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट से हम रात के एबीसी कॉस्टिंग वगैरह सिंपली ये है कि प्रोडक्ट्स जो है वो एक्टिविटीज कंज्यूम करती हैं और एक्टिविटीज पे खर्चा होता है, पैसे पैसे लगते हैं एक्टिविटीज, एक्टिविटीज कैश कंज्यूम कर लेती हैं और देयरफॉर वो जो एक्टिविटीज पे कैश लगा है, खर्चा लगा है, वो फिर प्रोडक्ट्स पे एलोकेट होना चाहिए। इस सेंटेंस में आगे थर्ड सॉरी फोर्थ लाइन वाला नेक्स्ट वो कहता है ओवरहेड, मैं बोल्ड वाले पढ़ रहा हूँ, overheads are allocated in a portion to the activity cost centers or cost pools, activities cost pools। abhi maine questions pehle isliye karwa diye taki fazool mein jo hum theory padh rahe hain wo relate ho jaye jo humne kiya hai, sahi kar, lekin fir overheads are ultimately absorbed into products on the basis of usage of activity। Must for example overheads are allocated in a portion to machines, machine services kar, मैं एक्टिविटी बोल रहा हूँ,
या ओवरहेड्स आर एलोकेटेड अ पोर्शन टू इलेक्ट्रिसिटी. द इलेक्ट्रिसिटी आर देन अल्टीमेटली अब्सॉर्ब्ड इनटू प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एनी कॉस्ट ड्राइवर. जो भी मैं क्वेश्चन में मशीन आर हो सकता है या कोई और, अगर वो कॉस्ट ड्राइवर बता दें. खर्चा किस पे पहले एलोकेट होता है? मसलन एक पेज नंबर 3 देख लो. पहले खर्चा कॉस्ट पूल्स को एलोकेट होगा ना. क्वेश्चन नंबर 1 देखो जरा. क्वेश्चन नंबर 1 में नीचे देखें जाके, एक्टिविटी का नाम क्या है पहली? मशीन सर्विसेज को 18,400 रुपया पहले एलोकेट हुआ एंड सो ऑन. असेंबली सर्विसेज सेटअप, फिर इसका क्या किया हमने? फिर इसको कॉस्ट ड्राइवर को बेस बना के जितना एक्टिविटी जिस प्रोडक्ट में इस्तेमाल किए प्रोडक्ट्स में एलोकेट किए. तो पहले कॉस्ट पूल्स पे खर्चा होता है, फिर वो खर्चा प्रोडक्ट्स पे एब्जॉर्ब होता है बेस्ड ऑन द यूजेज ऑफ एक्टिविटी बेस्ड ऑन द रिस्पेक्टिव कॉस्ट ड्राइवर. आ जाए वापस. फिर एबीसी कॉस्टिंग की डेफिनेशन लिखी हुई थर्ड पैराग्राफ. मेथड ऑफ कॉस्टिंग विच इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द कॉस्ट ऑफ सर्टेन मेन सपोर्ट एक्टिविटीज. एग्जाम्पल नंबर 1 वाली बात ध्यान रखो. एंड द फैक्टर्स दैट डिराइव द कॉस्ट, और देख के बताएंगे कौन सा फैक्टर्स. उधर देखते ना, मतलब लिंक कर दो. मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, सेटअप कॉस्ट, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स, सपोर्ट डिपार्टमेंट्स आर चार्ज, सपोर्ट ओवरहेड्स आर चार्ज टू द प्रोडक्ट्स बाय अब्सॉर्बिंग कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स यूज ऑफ द फैक्टर. फिर प्रोडक्ट में फॉर एग्जाम्पल वही देखा था, मशीन आवर्स 230,000 थे. फिर जिस प्रोडक्ट ने जितने मशीन आवर्स इस्तेमाल किए होंगे उस हिसाब से पहले हमने शायद एक मशीन आर रेट निकाल लिया था. यहाँ मशीन आर रेट निकाल लिया था, फिर नंबर ऑफ मशीन आवर्स मल्टीप्लाई कर. समझ आ रही है? बट मतलब इट शुड बी इन अ पोजीशन के असर में 2, 4, 5 नंबर के लिए अगर तो स्टोरी थोड़ी सी लिखनी पड़ जाए. देन आ जाए रीजन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. इसके लिए सेकंड पैराग्राफ वैसे तो ठीक है, लेकिन सेकंड पैराग्राफ में जो कुछ लिखा है ये शायद रेलिवेंट है ज्यादा. द ट्रेडिशन ऑफ द ऑपरेशन कॉस्टिंग वाज डेवलप्ड इन अ टाइम व्हेन द कॉस्ट व्हेन द मोस्ट मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस स्मॉल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच अंडरवेंट सिमिलर ऑपरेशंस. लेकिन आजकल की दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग भी ऑटोमेट हो गई है, एम्प्लॉइज पर डिपेंडेंस खत्म हो गई है, मशीनें ऑटोमेट हो गई हैं. वो कहता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अब कम है और मशीनों के खर्चे ज्यादा है, इनडायरेक्ट खर्चे ज्यादा है. तो इसलिए फिर अगर इनडायरेक्ट खर्चे ज्यादा है तो उनको पोर्शन करने का भी कोई, रादर देन के एक ही रेट निकाल लिया जाए सब ओवरहेड्स का. ये भी शायद शुरू में बात हुई थी, अलहदा अलहदा रेट्स निकालने की ख्वाहिश है. फिर इसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ उसमें मेरे ख्याल से सारा क्रक्स बताया हुआ पास्ट प्रेजेंट का. इन पास्ट मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग वाज कंसीडर्ड एज लेबर इंटेंसिव. क्या होता है ज्यादा काम लेबर इंटेंसिव, लेबर ज्यादा. एंड मशीन डेप्रिसिएशन कॉस्ट वॉज नॉट सिग्निफिकेंट. ज्यादातर लोग हाथों से काम करते थे, अगर मशीनें थी भी तो उतनी महंगी नहीं थी. बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट मशीनें भी ऑटोमेट है. वॉशिंग मशीनें अगर कभी घर में देखी हो आपने, हाँ मतलब सिर्फ बटन ऑन करना है आपने और उसके बाद सारा काम मशीन का. और अगर आप हॉस्टल अपना जहन में लाए हो तो बाहर जहन में लाए ये मॉन हो गई है, हो गई तो यही है ना, पहले यही था हर जगह. अब मशीन अगर ऑटोमेटिक है तो लेबर की बहस खत्म होगी, बस बटन ऑन करना किसी, बाकी मशीन की फिर जरूरत है. तो मशीन भी कॉस्टली होगी. इन द पास्ट मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग वाज कंसीडर्ड एज लेबर इंटेंसिव एंड मशीन डेप्रिसिएशन वाज नॉट सिग्निफिकेंट. विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट द डिपेंडेंस ऑन मशीन वाज एनहांस्ड रिजल्टिंग हायर डेप्रिसिएशन. बड़ी बड़ी मशीन में ज्यादा डेप्रिसिएशन. अब डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट कॉस्ट है. दिस इंक्रीज इट इंक्रीज द इनडायरेक्ट कॉस्ट. फिर अकॉर्डिंग टू बिजली वगैरह का खर्चा भी. It increased the indirect cost to higher extent than the direct cost. Direct material, direct labor faster because of the machine environment, manufacturing environment was shifted from zyada labor to zyada machine. Yes, machine intensive, labor intensive. Then uske baad cost pools likha hua tha. Ye samajh aate hain? Yes sir. Next page pe karna hai. Ye jo table hai karna next page pe. वैसे तो ये जितने क्वेश्चंस हैं इनमें असूलन तो कॉस्ट ड्राइवर बताया होना चाहिए, लेकिन आपने जब भी क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं तो खास तौर पे कॉस्ट ड्राइवर्स
जरा एक्टिविटी के साथ रिलेट कर लेना इस खतरे को कवर करने के लिए कि अगर कॉस्ट ड्राइवर्स ना बताएं। एक टेबल ये है दूसरे पेज के स्टार्ट पे, मतलब मेरी बात समझ गए मैंने क्या कहा? कॉस्ट ड्राइवर्स पता है, फिर तो बहस सिर्फ कॉस्ट ड्राइवर्स की बेस पर आएगी, लेकिन अगर कॉस्ट ड्राइवर ना बताएं तो थोड़ी सी अपनी जजमेंट यूज करनी पड़ेगी। तो एक है बिल्कुल ही बगैर सोचे समझे, एक है थोड़ा सा अगर कुछ टेबल एक दो याद कर ली जाए। तो एक तो ये जो टेबल है, और फिर बाकी जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन कोई भी रिवाइज करें, तो चाहे पूरा सॉल्व ना करें, सारे सिर्फ फिगर्स ही चाहे रिवाइज करना, लेकिन ये जो कॉस्ट ड्राइवर्स आगे आगे दिए हुए कौन से एक्टिविटी किस कॉस्ट ड्राइवर की बेस पे, इसको जरा सही तरह नजर पड़ लेना चाहिए। इस वजह से इसलिए कि अगर कभी कॉस्ट ड्राइवर्स ना बताओ तो आप डिसीजन ले सकें। तो जरा पढ़ेंगे मेरे साथ, वैसे कुछ ना कुछ आइडिया देगा आपको, अदरवाइज ये शायद उसमें मशीन सेटअप अगर लिखा हो तो नंबर ऑफ सेटअप, और अगर नहीं है नंबर ऑफ सेटअप मटेरियल हैंडलिंग। अब ये इसने कुछ खुद बताया, मतलब ये जो भी नोट्स आपके आईकैप ने दिए उसमें ये खुद बताया है, उसमें डिस्पैचिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कस्टमर ऑर्डर्स, मशीन ऑपरेशन कॉस्ट, नंबर ऑफ मशीन आवर्स, प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, इन इस पे जरा थोड़ा सा रुक के 2 मिनट लगना चाहिए। बाकी नीचे फिर स्टेप्स तो है, 5 स्टेप्स में ये पढ़ा, ये पढ़े जरा 5 स्टेप्स में स्टोरी बताइए, इसको जरा एग्जाम्पल 1 के साथ रिलेट कर लो। Example 1 सामने खोल के ना, दोनों दूसरा तीसरा सफा सामने रख के बताएं, identify major activities that supports that support manufacturing, मतलब क्या है? नहीं, मशीन सर्विसेज, असेंबली सर्विसेज, सेटअप कॉस्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, परचेजिंग, ये बात हुई है। अब ये प्रैक्टिकल गाइडेंस दे रहा है, एग्जाम में तो डेफिनेटली उसने बता दिया आपको। स्टेप 2 फिर क्या होगा? Accumulate overhead cost of each activity, this is called as cost of cost pool. ये बताएं कितना 18,400, 18,150 वगैरह रिस्पेक्टिवली। स्टेप 3, आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर कौन से, मशीन आर, डायरेक्ट लेबर आर, सेटअप। नेक्स्ट जो लिखा हुआ ना, ये आपने किया भी था, कैलकुलेट अब्सॉर्प्शन रेट ऑफ ईच एक्टिविटी। अपना अगर आंसर निकालें एग्जांपल 1, हाँ जी, वो एक मशीन आर का आपने निकाला था, ये अपना रजिस्टर में देखें आंसर 1, वो कैसे निकाला था? नहीं, मुझे अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल 1 जो है ना डाटा, उसकी बेस पर बताना आपने। नहीं, मतलब फिगर्स के साथ 18,400 मींस कॉस्ट ऑफ कॉस्ट पूल डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर, वॉल्यूम ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, वॉल्यूम ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। तो यहाँ से क्या निकला था? नहीं, क्या निकला था, क्या निकला था? नहीं, मतलब अब्सॉर्प्शन रेट पर कॉस्ट ड्राइवर, अब्सॉर्प्शन रेट पर 1 कॉस्ट ड्राइवर। डेफिनेटली वो मशीन आवर्स की बेस पे निकला था, लेकिन अगर आप नेक्स्ट देखते हैं तो फिर डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पे निकला था। तो क्या फॉर्मूला बनाया था आपने? अमाउंट ऑफ कॉस्ट पूल डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर, वॉल्यूम ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, और देन उसके बाद फिर आपने क्या किया था? आंसर देख के बताएं, आंसर ही देख के बताएं। फिर जब आगे थे ये, तो आपने फिर इसे एब्जॉर्ब कर दिया था प्रोडक्ट्स पे, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मशीन आवर्स यूज्ड बाय प्रोडक्ट जे ए एंड एम। तो वही 5वां स्टेप लिखा, एब्जॉर्ब द एक्टिविटी इनटू, मतलब थ्योरी के एंगल से अगर लिखनी पड़ जाए तो एक नजर पड़नी चाहिए, और बेस्ट तरीका ये स्टेप्स को देखने का एग्जाम्पल 1 जिसका मैंने अभी बताया। घर के लिए आज मेरी तरफ से ज्यादा चीज नहीं है, लेकिन इन चीजों को जो मैं कहूंगा घंटा घंटा लगाना जरूरी है। कहा क्या वैसे मैंने आज 5 सवाल तो आज मैंने कही नहीं, 5 सवाल तो जाने का, इसका गिनना चलोगे तो 500 भी हो जाएंगे। 3 questions पेज नंबर 238, जरा नंबर बताइएगा पेज नंबर, पेज नंबर 238 पे 3 questions जो बोनस प्लान वगैरह के, इनको रिवाइज करके पेज नंबर 2 में है जी दोनों। जज़ाकअल्लाह सर, अल्लाह हाफ़िज़। साथ साथ पढ़ते रहिएगा, मिशन ऑन है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा क्या? ये अगर नंबर ऑफ
लेबर कॉस्ट इंक्रीज नहीं हो रहे शायद, लेबर आवर्स अगर इंक्रीज होंगे तो फिर उसी टाइम में कम यूनिट्स बनेंगे। लेबर कॉस्ट की मेरे ख्याल बात नहीं, लेबर आवर्स अगर एक यूनिट का बनाने के लेबर आवर्स बढ़ गए तो उसी गिवन टाइम में फिर कम यूनिट्स बनेंगे। फिर लेबर आवर्स शायद सही है क्योंकि लेबर कॉस्ट और रेट की वजह से भी बढ़ सकती है। अगर आवर्स नहीं बढ़े फिर तो मेरा ख्याल है उतने टाइम में सेम यूनिट्स ही बनेंगे। लेबर कॉस्ट नहीं मेरा ख्याल लेबर आवर्स, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर जेन में है तो वो बता दें, जिस क्वेश्चन के एंगल से बात हो रही है अगर कोई क्वेश्चन देखा तो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई और क्वेश्चन नहीं है? ये रूम खोल दे लिए टैक्स वाले नौजवानों का, ये रूम जरा इनको एलोकेट कर दे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स और तो नहीं बेटा आपको क्वेश्चन है? आपका बेटा आंसर हो गया? ओके अल्लाह।